हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोराण। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज द राइट मोटर कार इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन वी बाइंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जब भी हम अपनी कार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस परचेज करते हैं, जैसे कि policybazaar.com है, coverfox.com है, insurancedekho.com है, फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसे कई सारे छोटी छोटी एप्लीकेशन और कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी कार का ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करते हैं। और अगर हम ऑफलाइन लेते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाके अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज करते हैं, या किसी इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव या उसके एजेंट से मिलकर हम अपनी कार के लिए इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो जब भी आप ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करें या फिर आप ऑफलाइन इंश्योरेंस परचेज करें, जब भी आप अपनी कार के लिए इंश्योरेंस परचेज करें, तो उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आज हम उन बातों के बारे में ही बात करेंगे कि जब भी हम अपना इंश्योरेंस परचेज करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम एक बढ़िया इंश्योरेंस, सही इंश्योरेंस का चुनाव कर सकें, और जो हमें और उसके अलावा जो ऑफ़र मिलने वाले हैं, जो डिस्काउंट मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी हमें पता चल सके। तो सबसे पहले हम जो हमारा पॉइंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा असेस योर नीड्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड्स कह सकते हैं इसको, यानी कि जितनी हमारी ज़रूरत है, जिस हिसाब से हमें अपना इंश्योरेंस लेना है, हमें मतलब ओन डैमेज इंश्योरेंस चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए, कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लेना है, या कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर हमें कोई भी एडवांस प्लान है उनको ऐड करवाना है, तो मतलब जो आपकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से आपको इंश्योरेंस लेना है, बगैर आपकी ज़रूरत के हिसाब के आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है। जैसे कि हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें कंपलसरी है कि अगर कोई भी व्हीकल है इंडिया के अंदर रोड पर चलता है, तो उसके लिए एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो हमारी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से कि हर व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना कंपलसरी है, उसके बगैर तो आप किसी भी व्हीकल को रोड पर नहीं उतार सकते, ना ही उसको चला सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो गैरकानूनी भी है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कानून की तरफ से। तो आपको जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो कंपलसरी रखना ही रखना है, मस्ट है वो आपके व्हीकल के लिए। उसके अलावा आपको लगता है कि मुझे मेरा जो ओडी इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गया है, मुझे वो परचेज करना चाहिए, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना ओडी इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो ओडी है ये अभी 2019 में आया है, उससे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था। अगर आपको लगता है कि हमारा जो आपका जो व्हीकल है वो 5-6 साल पुराना है और आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है, तब आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना है या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना है, और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ आपको क्या एडोन प्लान्स लेने हैं। ये सब आपकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी व्हीकल के इंश्योरेंस का सही चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है वो है चेक कवरेज ऑप्शन, यानी कि इसके अंदर आपको जब भी आप अपना इंश्योरेंस परचेज करें तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो इंश्योरेंस बना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें क्लेम के टाइम पर हमें कवरेज प्रदान करेंगी, या हमें कितना कवरेज मिलेगा, क्या इसके अंदर थर्ड पार्टी की लायबिलिटी भी मिलेगी, अगर हमारा जो व्हीकल है वो डैमेज होता है क्या उसका भी क्लेम मिलेगा। ठीक है, या अगर हमारे व्हीकल से किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका भी क्लेम मिलेगा, हमारा व्हीकल अगर बाढ़ में डैमेज हो जाता है तो क्या उसका भी क्लेम मिलेगा, नेचुरल जो क्लाइमेट्स की वजह से कोई डिजास्टर होता है उसकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, क्या वो क्लेम मिलेगा। तो आपको चेक कवरेज ऑप्शन के अंदर वो चीज़ें चेक करनी है कि अगर हमारी गाड़ी पर कोई भी क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना कवरेज प्रोवाइड करेगी, ये सब चीज़ें उसके अंदर हमें चेक करनी है, उसके अंदर लिखा भी रहता है। ठीक है, तीसरी चीज़ें हैं हम जब इंश्योरेंस परचेज करें तो तीसरा जो पॉइंट है हमें क्या चीज़ चेक करनी है, क्या चीज़ देखनी है, नोट करनी है, वो है रिव्यू पॉलिसी एक्सक्लूजन एंड लिमिटेशन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि क्या चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं कर रही है, जैसे बेसिकली जो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वर्डिंग है कि अगर आपके पास बिना लाइसेंस के आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई वियर एंड टीयर पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, जो मूविंग पार्ट होता है बिना किसी एक्सीडेंट के, एक टाइम के साथ उसकी लाइफ होती है और वो ख़राब हो जाता है, वो चीज़ें जो क्लेम के अंदर नहीं मिलेगी। लिमिटेशन होती हैं कुछ चीज़ों की कि ये चीज़ आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी और इतना आपको अमाउंट मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी लिमिटेशन है, अगर आपका जो ओनर है गाड़ी का,
अगर उसकी ड्राइवर की डेथ हो जाती है, ओनर ड्राइवर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द जो व्हीकल है वो अगर वो चला रहा है उस टाइम पर, और अगर उन्होंने पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर ड्राइवर लिया हुआ है, तो जो ओनर ड्राइवर है उसको 15 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलता है। ऐसी हमारी जो लिमिटेशन है, और सेम ये बाइक के केस में भी यही है और कार के केस में भी यही है। तो हमें अपनी जो पॉलिसी अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, उसके हमें एक्सक्लूजन और उसकी लिमिटेशन है वो भी हमें अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए पॉलिसी परचेज करने से पहले। उसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारा इवैल्यूएट डिडक्टिबल्स। इवैल्यूएट डिडक्टिबल्स, डिडक्टिबल्स क्या होता है, एक कटौती होती है, एक मतलब इतना पैसा, इतना अमाउंट अगर आप कोई भी क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको देना पड़ेगा। एक होता है इसके अंदर जैसे कंपलसरी डिडक्टिबल। कंपलसरी डिडक्टिबल का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक पर कोई भी क्लेम करोगे तो जो क्लेम का जो फाइल चार्ज है, क्लेम चार्ज है ओन एंड एवरी क्लेम, जब भी हर टाइम जब भी आप क्लेम करोगे, यानी कि एक सिंगल क्लेम का जो चार्ज है डिडक्टिबल्स है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इतना पे करना पड़ेगा। ये 100 रुपये से स्टार्ट होता है और 2-3 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है कंपलसरी डिडक्टिबल। ये अकॉर्डिंग टू व्हीकल कैपेसिटी, सीसी, इंजन कैपेसिटी और सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपका जो डिडक्टिबल्स है वो कंसिडर किया जाता है। बाइक में और कार में ये डिटेक्टिबल्स अलग अलग होते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक वॉलंटरी डिटेक्टिबल होता है इंश्योरेंस कंपनी में। जब इंश्योरेंस की पॉलिसी की जब आप वर्डिंग पढ़ोगे तो उसके अंदर वॉलंटरी डिटेक्टिबल्स होता है। उसके अंदर ये होता है कि अगर आपने वॉलंटरी डिटेक्टिबल लिया हुआ है तो जितने का आपने वॉलंटरी डिटेक्टिबल का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को, वो इंश्योरेंस कंपनी से आपने एज ए डिस्काउंट अगर आपने लिया हुआ है और फिर आपका अगर कोई क्लेम आता है तो जितने अमाउंट का आपने डिस्काउंट लिया हुआ है उतने अमाउंट का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं पे करेगी। मान के चलते हैं कि आपने 5,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी से वॉलंटरी डिटेक्टिबल्स एज ए डिस्काउंट में ले लिया है इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हुए, और फिर आपके ऊपर बाद में क्लेम आ जाता है 15,000 रुपये का, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है जो 5,000 रुपये का आपने वॉलंटरी डिडक्टिबल्स का जो डिस्काउंट लिया होता उसको माइनस करके जो 10,000 रुपये का क्लेम बचता है उस 10,000 रुपये के क्लेम के हिसाब से आपका जो क्लेम है वो कंसीडर करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। उतना ही, उतने ही अमाउंट के हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। 5,000 रुपये का आपका क्लेम है वॉलंटरी डिडक्टिबल डिस्काउंट के तौर पर आपको आपसे काट लिया जाएगा। तो जो हमारे डिडक्टिबल्स होते हैं वो भी हमें ध्यान से देखने कि हमें ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है, और हमारा जो कंपलसरी डिडक्टिबल है वो हमारा कितना है। IMT 22 के अंडर होता है कंपलसरी डिडक्टिबल, और हर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लिखा होता है कि जब भी आप क्लेम करोगे तो आपके क्लेम का चार्ज इतना होगा। 100 रुपये है, 500 रुपये है, 1,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, ये आपकी क्यूबिक कैपेसिटी इंजन के हिसाब से और गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट्स है वो है हमारा लुक्स फॉर डिस्काउंट्स, कि मतलब अगर आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तो आप अपने डिस्काउंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, डिस्काउंट के बारे में भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा डिस्काउंट इंश्योरेंस कंपनी है जो ऑफर कर रही है, मतलब किस तरह का डिस्काउंट हो सकता है। अगर आप सेफ ड्राइवर, मतलब आपने 5-6 साल से आप गाड़ी रख रहे हैं और 5-6 साल से आप सेम कंपनी से इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं और आपको सेम कंपनी से किसी भी टाइप का आपने कोई क्लेम नहीं लिया 5-6 साल के अंदर, तो आप कंपनी को बोल सकते हो, कंपनी से बात कर सकते हो कि आप लगातार 5-6 साल से उनके रेगुलर कस्टमर हैं, सेम कंपनी से आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं और आपने आज तक कोई भी क्लेम नहीं लिया है। तो एक सेफ ड्राइवर डिस्काउंट होता है वो आप ले सकते हो, आपको मिलता है इंश्योरेंस में, आपका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। और अगर आपके व्हीकल में किसी भी प्रकार का कोई एंटी थेप्टिक डिवाइस आपने लगवा रखा है या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने आपके व्हीकल के अंदर एंटी थेप्टिक डिवाइस इंस्टॉल किया हुआ है तो आप एंटी थेप्टिक डिवाइस का भी डिस्काउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे नो क्लेम बोनस है वो भी आपको एक डिस्काउंट की तरह पे मिलता है, कि नो क्लेम बोनस जैसे कि आप एक साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया है और अगले साल अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं तो आपको 20% का जो नो क्लेम बोनस है ओडी प्रीमियम के ऊपर वो आपको मिलता है, और ये फिर 20% से स्टार्ट होकर 50% तक पहुंच जाता है अगर आप लगातार 5 साल तक कोई क्लेम नहीं लेते हो तो आपका जो डिस्काउंट है वो आपको मिलता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कंसीडर कस्टमर सर्विस, यानी कि
जो कस्टमर की सर्विस को फुलफिल करे उस कंपनी से आपको इंश्योरेंस लेना है। और ऐसी जो कस्टमर को टाइमली उनकी इंक्वायरी टाइमली उनको अपडेट करे, पॉलिसी के बारे में अपडेट करे, क्लेम के बारे में अपडेट करे, ठीक है, उनको पॉलिसी के बारे में क्लेम के बारे में पॉलिसी के बारे में अपडेट करें। और कस्टमर को जब भी आपकी जब भी कस्टमर की और जब भी आपकी गाड़ी पर या किसी भी यूजर्स की गाड़ी पर कोई क्लेम आता है और कंपनी उसको अगर प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके अंडर आपको इंश्योरेंस कंपनी चूज करनी है। कस्टमर का जो वहाँ पर फीडबैक देखना कि किस कंपनी को जो कस्टमर है वो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, किस कंपनी के ज़्यादा यूजर्स हैं, किस कंपनी के ज़्यादा कस्टमर हैं, कौन सी कंपनी का जो टाइमली क्लेम देने का जो कितना टाइम पीरियड है, कौन सी कंपनी है जो टाइम पे आपको क्लेम दे देती है, टाइम पर सर्वेयर की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है, टाइम पर वर्कशॉप अरेंज करती है। तो जो कस्टमर की जो बढ़िया जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी के बारे में आपको सर्च करना है, उस कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है हमें क्या देखना है पॉलिसी लेते हुए वो है रिव्यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है हमें? इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, कितने दिनों से काम कर रही है, क्या उनका क्लेम रेशियो है, कितने उनके पास कस्टमर हैं, कितने उनके पास गैराज हैं, कितने पास उनके पास रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका जो क्लेम रिपोर्ट करने का कितना टाइम पीरियड है, कितने टाइम के अंदर वो आपका जो क्लेम है वो अप्रूव कर देते हैं। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता चल जाती है कंपनी की कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी प्रॉफिट में या कंपनी लॉस में है। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिस कंपनी की अच्छी है आप उस कंपनी से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली कंपनी काम भी बढ़िया करती है और कस्टमर के लिए ही वो फायदा करती है और उनका जो कस्टमर ही प्रायोरिटी होता है, कस्टमर के लिए काम करती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है उस कंपनी को आप अपने इंश्योरेंस उस कंपनी से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात आते हैं अगले पॉइंट्स की, चेक ऑनलाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज। यानी कि कई कंपनियां हैं जो अपना खुद का एक ऐप बनाती हैं, उस ऐप के थ्रू आप अपनी गाड़ी नंबर डाल के पॉलिसी नंबर डाल के सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। कई कंपनी ऐसी हैं जो जिनका खुद का कोई ऐप है, उसके अंदर आप अपना अगर आपकी गाड़ी पर आपकी बाइक पर कोई क्लेम आता तो आप अपना क्लेम वहाँ पर रिपोर्ट करवा सकते हो और दर्ज करवा सकते हो। और जितना कंपनी की कुछ लिमिटेशन है ऐप्स के अंदर ही कि अगर आपको 50,000 रुपये तक का, मान के चलो किसी कंपनी की लिमिटेशन है कि 50,000 रुपये तक का क्लेम आप खुद ही कर सकते हो, किसी भी प्रकार के सर्वेयर की जरूरत नहीं है, आप फोटो खींचो अपलोड करो स्टोरी लिखो क्या हुआ कैसे हुआ और आप हमें भेजो, हम चेक करते हैं और आपको क्लेम का जो अमाउंट है वो पे कर देते हैं, उसके बाद आप अपनी गाड़ी रिपेयर करवा के उसकी इंस्पेक्शन करके हमें बिल भेजो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सेटल हो जाता है। तो ऐसे जो जिन कंपनियों के ऐप्स हैं, जिन कंपनियों के टूल्स हैं और जिन कंपनियों के रिसोर्सेज हैं उनसे आप अपना इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो। मतलब जिस कंपनी के बढ़िया ऐप्स हैं या जिस कंपनी का बढ़िया फॉलोअप है तो उससे आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के अपना इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जो अगला पॉइंट्स आता है वो है सिक रिकमेंडेशन। सिक रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि जब भी आप अपने इंश्योरेंस परचेज करते हो तो आप अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी फैमिली मेंबर से या कोई भी आपका जो ऑनलाइन कम्युनिटी है, कोई भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई पेज है इंस्टा पर, कोई पेज है फेसबुक पर, जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं कि वो कंपनी अच्छी है, वहाँ से मैंने वहाँ से क्लेम लिया था, उस कंपनी का एक्सपीरियंस मेरे साथ ये था, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी भी पेज ऑनलाइन जो सोशल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आप इस चीज़ का डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी का क्या ग्रोथ रेट है, कैसी कंपनी चल रही है, उस कंपनी का अपने दोस्तों से अपने फैमिली मेम्बर से बात करके भी उस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो लास्ट का जो हमारा पॉइंट है वो आता है रीड पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। ये सबसे मेन पॉइंट है, जब भी आपके पास फाइनल प्रिंट आता है पेपर का, पीडीएफ में आपको ईमेल पे मिलता है या आपके पास बाय स्पीड पोस्ट आता है तो आप उसका जो फाइनल
प्रिंट है इंश्योरेंस पेपर का, उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, वो आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि अगर आपकी ये पॉलिसी आपको मिली है, इस पॉलिसी में अगर आप ये क्लेम करोगे तो आपको इतना क्लेम आपको मिलेगा, इतना आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, इसमें ये कंडीशन है लगी हुई है, इतना आपको कंपलसरी डिडक्टेबल पे देना पड़ेगा, इतना आपका वॉलंटरी डिडक्टेबल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल इंश्योरेंस है, आपने वो परचेज किया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आप क्लेम करोगे तो इतने परसेंट प्लास्टिक पे, फाइबर पे, मेटल पे, अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अलग अलग वाइपर है डेप्रिसिएशन, वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। तो जो फाइनल प्रिंट आता है पेपर का, वो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर उसके अंदर आपका इंश्योर्ड का नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस, इंजन नंबर, चेसी नंबर, अगर कोई चीज़ गलत भी हो जाती है तो आप उसको इंडोर्स करवा सकते हो, आप उसको ठीक करवा सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर में बात करके। तो इसलिए मतलब कि जो फाइनल प्रिंट आता है वो हमें इसलिए चेक करना चाहिए उसकी, उसके अंदर कोई चीज़ें गलत मेंशन तो होके नहीं आ गई हैं। जो चीज़ आपने इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड की थी, किसी एड ऑन्स की डिमांड की थी, जीरो डेप्रिसिएशन हो गया, या इंजन प्रोटेक्टर हो गया, रोड साइड असिस्टेंस हो गया, नो क्लेम बोनस डिस्काउंट हो गया, कोई अदर ऐसा कोई एडवांस प्लान आपने लिया था जो इंश्योरेंस कंपनी ने उसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ, तो फाइनल प्रिंट इसलिए पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर हमें सारी चीज़ें मेंशन होके मिलती हैं, आप देख सकते हैं। और अगर किसी चीज़ में कोई गलती रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से दोबारा बात करके उस चीज़ को आप ठीक करवा सकते हैं, और अपनी जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस को बेहतर बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। तो आज की जो हमारी जो वीडियो थी, उस वीडियो में जो हमारा मेन मोटिव था वो यही था कि जब भी हम अपनी कार या बाइक के लिए इंश्योरेंस परचेज करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेन ये वो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस परचेज करने से पहले। अगर हम ऐसे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाद में हमें कोई दिक्कत होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो हमने बता दी हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर कंपेयर का ऑप्शन भी है, अलग अलग कंपनियाँ भी शो करती हैं कि ये कंपनी इतना डिस्काउंट देगी, इतना ऑफर देगी, इतना परसेंटेज देगी, तो वहाँ पर ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती हैं देखने के लिए। और अगर आप किसी ऑफलाइन जाते हो तो हो सकता है कि आप दिन में एक ही आदमी से मिले, उसके पास टाइम ही नहीं हो, जिसके पास आप मिलने के लिए जा रहे हो वो आपसे ढंग से बात ही नहीं कर पाए, 5-10 मिनट दे पाए आपको, और 5-10 मिनट में आप कुछ भी ना समझ पाए कि क्या गाइडलाइन है, क्या पॉलिसी की टर्म कंडीशन है, क्या उसके टूल्स हैं। ऑनलाइन में ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसको सारी चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं और अपने लिए बढ़िया पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वहां पर कस्टमर केयर का नंबर भी आपके पास होता है, ईमेल एड्रेस, सब कुछ चीजें आपके पास होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी गाड़ी या बाइक का इंश्योरेंस परचेज करेंगे तो आप ये सब चीजों को ध्यान में रख के, सब चीजों को चेक करके उसके बाद ही इंश्योरेंस परचेज करेंगे तो आपके लिए काफी फायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।